ताला लगा है। अच्छा जहाँ ये पैर लगाया मैंने यहाँ से। अच्छा बाबा ये इतना ही पूरा आप अभी। अच्छा 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 यहाँ पर भी दुकान थी ना। अरे बाबा ये कब से तोड़ रहे हो? सुबह से। यहाँ पर भी ये दीवार बन रही है, ये देखो काफ़ी अच्छी दीवार बनेगी यहाँ पर चल रहा। और आज क्लोज कर देंगे। अच्छा आपका आज के दिन का नोटिस था? आज शाम तक के लिए। अच्छा आज शाम तक लास्ट, फिर कल से खुद ही तोड़ेंगे अगर आप नहीं तोड़ोगे तो? नहीं कल आज ही तोड़ेंगे। अच्छा आज रात को तोड़ेंगे सर? कैसे यहाँ से कर रहा हूँ कार्रवाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होटल था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से भट्टी थी और इसको इस तरीके से यहाँ पर तोड़ा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग होने वाला है अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसी के खिलाफ यहाँ पर होने वाला है। मैं हूँ अभी हल्द्वानी शहर में जो उत्तराखंड के अंदर आता है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और मेन बाज़ार पर हूँ मैं अभी। कालूसाई मंदिर से थोड़ा सा पीछे हूँ, आप देख सकते हैं सामने कालूसाई है और वहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर से मैं जो अतिक्रमण अभियान हटाओ अभियान चल रहा है वो दिखाऊंगा कि आज यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर लोग दुकानें तोड़ रहे हैं, कौन सी दुकानें तोड़ रहे हैं वो भी बताऊँगा। और यहाँ पर जो अधिकारी लोग थे उनके तबादले भी हो चुके हैं, फिर भी जो भी कार्रवाई थी वो चलती रह रही है। नगर आयुक्त जी का भी तबादला हो चुका है और सिटी मजिस्ट्रेट जी का भी तबादला हो चुका है, बहुत सारे अधिकारियों का तबादला यहाँ पर हो चुका है। तो अभी आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर अतिक्रमण में क्या चल रहा है। अभी यहाँ पर इस वक्त हूँ मैं ये बीकानेर के वहाँ पर, ठीक वहाँ से नीचे को हूँ, और ये साइड का तो अभी ताले लगे हैं दुकानों में, आप देख सकते हैं। और इधर का मैं आपको ज़रा नज़ारा दिखाऊंगा, तो चलते हैं मेन मुद्दे की ओर जो यहाँ पर अतिक्रमण का मुद्दा बहुत गर्माया हुआ है इस वक्त हल्द्वानी के अंदर। तो यहाँ पर मैं अभी हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये तोड़फोड़ चली थी पहले, तो वहाँ पर अभी ये काम चल रहा है निगम की ओर से। उसके बाद अभी हम आगे को चलते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें यहाँ पर टूट रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से, ये खुद तोड़ रहे हैं क्या? अच्छा चलो भी खत्म हो गया, और लास्ट डेट थी। अच्छा अब तो अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं जिनने ये दिया है, नए आयुक्त जी आ गए हैं। क्या कहना है आपका इस बारे पर, कुछ कहना है सर? हमारे पंकज उपाध्याय का तबादला हो चुका है अभी, वीर जी बैठे हो हमारे ऑनर। अच्छा अभी करते हैं उनसे बात। तो ये यहाँ पर एक नूडल्स हाउस करके एक शॉप थी, तो उसको भी तोड़ के पीछे करा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक प्रिंटर्स की दुकान थी, इसको भी पीछे कर रहे हैं, तो खुद ही तोड़ रहे हैं यहाँ से। और आगे चलते हैं। नमस्कार सर, आपकी दुकान है सर? तो अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं। राम राम सर, तो कैसे हो सर? तो आज ये दुकान क्या बंद कर दी? आज क्लोज कर देंगे। अच्छा आपका आज के दिन का नोटिस था? आज शाम तक के लिए। अच्छा आज शाम तक लास्ट, फिर कल से खुद ही तोड़ेंगे अगर आप नहीं तोड़ोगे तो? नहीं कल आज ही तोड़ेंगे। अच्छा आज रात को तोड़ेंगे सर? इसलिए आज दिन में हटाओ सब। तो फिर आप सामान कहाँ ले जाओगे सर इतना? ये घर ले जाएंगे, कुछ वापस ले जाएंगे। अब दुकान कहाँ लगाओगे? अरे बाबा। अच्छा तो अभी तो ये जिन्होंने नोटिस दिया था उनका तो तबादला हो चुका है, क्या कहना आपको पता है? हमारे नगर आयुक्त जी जिन्होंने ये दिया था, सिटी मजिस्ट्रेट जी, उनका तबादला हो चुका है यहाँ पर। अभी नए नगर आयुक्त और नए सिटी मजिस्ट्रेट आ रहे हैं आज से, कल रात को तबादला 12 अफसरों का। पर्सनली काम तो करने ही रहते प्रशासन के अंडर में रह के काम। हाँ तो अभी क्या लगता है, जैसे अभी नए आए हैं अधिकारी वो भी ये काम को जारी रखेंगे? मेरे हिसाब से तो रखना चाहिए। धन्यवाद सर। तो गाइस देख सकते हैं आप इस तरह से ये लोग जहाँ दुकान लगाने का समय होता है उस समय ये दुकान को खाली कर रहे हैं। आज लास्ट डेट है इनके लिए, अगर आज इन्होंने खाली नहीं करा तो कल इनकी आज शाम को रात को इनकी दुकान पे जेसीबी चल जाएगा और वो लोग खुद हटाएंगे तो तोड़फोड़ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, इनकी रोजी रोटी का भी सवाल है और यहाँ पर काफ़ी तोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए ये सीढ़ी भी पूरा जब में आएगी, ज़रा मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ चल के ज़रा दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से कर रहे हैं कार्रवाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होटल था, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से भट्टी थी और इसको इस तरीके से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए
यहाँ पर ये तोड़ रहे हैं। कहाँ तक तोड़ रहे हैं? इतना ही बस? यहाँ तक आ रहा है ये? अभी तो आगे तक तोड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नाप कहाँ तक है? ऊपर तक है क्या? अरे बाबा, ये दुकान दिखा रही है खाली यहाँ से नीचे जो ताला लगा है? अच्छा, जहाँ ये पैर लगाया मैंने यहाँ से। अच्छा अरे बाबा, ये इतना ही तोड़ रहे आप? अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर भी दुकान थी ना? ये कब से तोड़ रहे हो? सुबह से? कल से चालू है, अपने शाम लग जाएगा ना। चलो ठीक है, आप तो गाड़ी पे आए हो तो आप गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरनेट के तारे हैं, केबल है, सारा कुछ है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी ये दीवार बन रही है। ये देखिए काफ़ी अच्छी दीवार बनेगी यहाँ पर चल रहा। और आज लास्ट डेट है ये भाई। अभी ये जो टंकी एंके सब दिख रही है ना, ये आपको ना कल से नहीं दिखेगी यहाँ पर। कल से एकदम नाम निशान मिट जाएगा इसका, और यहाँ से ये रेलिंग वगैरह ना सब जाएगी यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर होटल था। देखो इस तरह से इनका ये सारा सामान तोड़ के, और ये सकल जो वहाँ से ना पूरा निकालेंगे इस तरीके से। सर आपकी दुकान? सर आपकी दुकान? हाँ सर, बताइए बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, ये क्या हो रहा है? कब से ठीक कर रहे हैं सर? ये क्यों तोड़ रहे हो सर? ये आज क्या लास्ट डेट है सर? ये हमें खुद ही पता नहीं है कि लास्ट डेट है। कायदे से तो ये टूटना नहीं चाहिए था। हमारा जो अलॉटमेंट है वो सरकार ने ही 30x40x45 दिया हुआ है। अब सरकार की गलती है कि उसने यहाँ से क्यों नापा? सरकार ने तो वहाँ से नापनी चाहिए था जहाँ से उसकी अगर ये दुकान आपकी खुद की? हाँ हमारी है। तो आपके पास कुछ नोटिस आया होगा तभी तोड़ रहे होंगे आप? अच्छा, तो आज लास्ट दिन डेट है नोटिस की? नोटिस की तो डेट निकल गई 25 को। अच्छा अच्छा, तो आज आप अपने हिसाब से तोड़ रहे हैं या फिर प्रशासन से? हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसको पीछे कर दे, ये ना हो कि कहीं वो आगे कोई वो ना कर दे, नुकसान ना हो। अच्छा 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 अच्छा, अपने हिसाब से पीछे करके जहाँ से नाप है वहाँ तक। वो आगे वाली भी शॉप आपकी सर? वो तो दूसरे की है। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ पर 10-12 अधिकारियों के तबादले हुए हैं कल, क्या कहना है आपका? ये तो अब अधिकारी जी ज्यादा नए अधिकारी आ गए हैं तो वो अपने सिरे से काम करेंगे। क्या पता आपको छूट दे दे कुछ, थोड़ा सा छूट। अच्छा, देना भी चाहिए। अच्छा, अब वो तो सरकार का मैटर है ना, ऊपर अधिकारियों का कोई मैटर नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत हल्ला हो रहा था। तो देखो कभी भी अल्दोनी क्या, कहीं पर भी कोई चाहे अच्छा काम हो बुरा काम हो तो तुरंत तबादले हो जाते हैं, ऐसा क्यों? अधिकारियों का तो चुनाव के चक्कर में नहीं, एक बात है ना देखिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, चुनाव के चक्कर में उनके तबादले करा दिए? नहीं ऐसा नहीं है, अतिक्रमण का मैटर है। देखिए सबसे बड़ा अतिक्रमण तो रोडवेज है, जो 10 साल से यहाँ पर बैठे हैं, उसको हटाने की किसी सरकार की हिम्मत नहीं आ रही है। ये क्या कारण है? जब अगर वहाँ ISPD बन गया था तो उसको वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट करते? उसको क्यों नहीं बनने? जैसे रोडवेज है, केमू है, टैक्सी है, बीच में भी वो तो NH मानने NH, जबकि पूरा पड़ाव से बाईपास NH बन चुका है। NH का जो वो होता है नियम, और स्टेट जो ये रोड होती है उसके नियम अलग अलग है। NH तो 110 फीट है, और ये आपका स्टेट वाई रोड, स्टेट रोड है 9 मीटर और 7 मीटर की। अब ये कहें हमें 12 मीटर चाहिए, इसको भी NH मान लें। और शराब के मामले में तो इनने अपने सारे नियम बदल दिए थे। जब याद है आपको सरकार ये शराब की दुकान खोलने में, जब इनने स्टेट हाईवे में से सब हटा दिए थे, इन्होंने कहा NH में खोलेंगे दुकानें, तो इनने जब ये शहर से दुकानें हटी तो फिर अपने लिए कैसा आदेश लेके आए? ये स्टेट हाईवे में मारा दुकान तो सारे आम चल रही है, मतलब बहुत कुछ उल्टा सुलटा हो रहा है। मतलब ये चुनाव के लिए अफसरों का तबादला हो जा रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको हटा दिया जा रहा है। उसमें सूर्य प्रताप सिंह जी अगर रहते तो ये इतना अतिक्रमण नहीं होता, आज इतना ये दिक्कत नहीं होती ना। अतिक्रमण तो अतिक्रमण क्या तो मतलब, अगर उस समय रोड चौड़ी होती आज से 30-40 साल पहले तो ये इतना निर्माण नहीं होता और इतना दिक्कत नहीं होती ना व्यापारियों को। उसी समय हट जाता जैसे नैनीताल रोड पर हटा है, रातों रात हटा दिया उनको। अब कल भी वो रातों रात उनको तबादला कर दिया, 12 अक्टूबर को हटा दिया इधर उधर नहीं लागे। कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े मुश्किल से यही तो कह रहा हूँ। आज ये देखिए अब ये कब तक बनेगा इसका कोई हम हिसाब नहीं। अच्छा अच्छा, कहेंगे सर? कुछ नहीं कहेंगे। बड़े परेशान है यार, क्या कहें बताओ यार। यार नहीं है, कुछ नहीं है, दुकान का ही हाल हुआ जी। धन्यवाद सर। तो कुछ इस तरह से कहना है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये कितना बनाया, देखो कितना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत से इतने पैसे खर्चा करके लोगों ने दुकानें बनाई हैं, आज इस तरह से तोड़नी पड़ रही है। तो ये सब पैसे का ही तो खेल है ना। नमस्कार सर।
ये देखिए इस तरीके से शॉप है यहाँ पर, देखो इनमें कोहली शॉप कहते थे, कोई बात करने को तैयार है नहीं यहाँ पर। सर ये खुद ही तोड़ रहे हैं, ये खुद ही तोड़ रहे हैं आप? हाँ खुद तोड़ रहे हैं। तो कोई नोटिस का लास्ट डेट है था या कुछ नहीं था? नोटिस का लास्ट डेट है जो है। अच्छा सर, कहीं खुद जैसे भी लगाएंगे तो उल्टा सुलटा कर देंगे, इसलिए अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा। कितना तोड़ रहे हैं सर? तो आधा ही कर रहे हैं सर? नहीं नहीं आधा नहीं, जितना गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, तो आज रात को तोड़ेंगे कह रहे हैं या फिर? पता नहीं, डेट तो आज की दी थी। अच्छा आज 31st की लास्ट डेट। अच्छा अच्छा, तो अभी अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं, कुछ कहना है आपका? अधिकारी के जब गवर्नमेंट सिटी मजिस्ट्रेट वो अभी नए आएंगे, पता नहीं किस तरह से काम होगा। तो जो कोर्ट के आदेश है हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, आपके कोर्ट के आदेश है? कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि 11 मीटर तक हम जो करना है। अच्छा, जो धामी जी ने 1 मीटर कम कर दिया। अच्छा, अभी इसके हिसाब से छोड़ के फिर अपना काम तो चलाएंगे ना, अब आप उनको थोड़ी देखे रहेंगे। रात को जैसी भी आ गई तोड़ डाल के, अभी भी आके तोड़ दे रहे हैं ना वो, जैसे अभी पीछे कर दिया वो मामला। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बुरा हो रहा है, क्या कर सकते हैं अब, हम भी बड़े दुख है। अब आप ही की बात रखने के लिए हम यहाँ आए हैं, ताकि लोग पता चले क्या है क्या नहीं, अब क्या कर सकते हैं, है ना। चलो आप अपना करिए, जितना भी है आप नया दुकान तो बनाना ही हो ना। धन्यवाद सर। तो कुछ इस तरीके से ये माल को इसमें भर रहे हैं, जो भी इनका सामान है, और यहाँ पर पीछे भी काम चल रहा है, दीवारें बन रही है यहाँ पर, काफ़ी सुंदर दीवारें बन रही है। तो यहाँ पर अतिक्रमण टूटना कोर्ट के आदेश है, 11 मीटर जाना है तो जाना है, एकदम कंफर्म हो चुका है यहाँ पर, 11 मीटर जाएगा तो जाएगा। तो इस तरीके से, तो गाइस वीडियो कैसी लगी? वीडियो के माध्यम से मेरे को सिर्फ आपको बताना है, वीडियो का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यापारी का उत्पीड़न करना या फिर किसी के खिलाफ ये वीडियो बनाना, तो मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है करके, इसी यही बस मेरा मकसद है वीडियो बनाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल में अगर आप नए हो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन घंटी के ऑल पर प्रेस कीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट करिए, बैड कमेंट मत करिए, उल्टे सुलटे कमेंट मत करिए। वैसे भी YouTube में उल्टे सुलटे जो भी कमेंट करेगा खाली ईमेल आईडी चली जाएगी आप लोगों की, तो ऐसा कमेंट मत करिए, उनको आप अच्छे कमेंट करिए और सपोर्ट कीजिए भाई को। नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए आप मेरे चैनल में।